लग जाता है। दिग्विजय पंडित ने कहा, बताइए जरा
दोषों का वर्णन, आप तो केवल गुणों का वर्णन कीजिए, दोष तो मेरी कृति में हो ही नहीं सकते हैं। तो महाप्रभु ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके यहाँ पे 5 दोष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि आपकी जो आपने जो छंद रचना गंगा जी के विषय में करी है उसमें भग्न विषय हो गया। भग्न मतलब एक कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी के बीच में वेरिएशन आ जाता है, उसको भग्न कहते हैं। कैसे? क्योंकि आपका प्रथम छंद, द्वितीय छंद और चौथा छंद वो अनुप्रास अलंकार में है, परंतु तृतीय छंद अनुप्रास अलंकार में नहीं है। और एक विशेष पांडित्य, विशेष पंडित की यही कृति होनी चाहिए कि वो जितना भी छंद बोले, एक प्यार बोले, एक छंद बोले, वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल बराबर के अलंकार में प्रस्तुत होना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके उस दिग्विजय पंडित के नेत्र खुल गए, वो चकित हो गया कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते, और वो वापस गया तो उसको सरस्वती की विद्या तो प्राप्त ही थी, भगवती शारदा की विद्या तो प्राप्त ही थी। और जब उसने कहा भगवती शारदा के दिव्य मंत्रों द्वारा भगवती को स्मरण करता करता वह सो गया, जब वह सो गया तो सपने में साक्षात वीणा धारिणी प्रकट हुई, वीणा धारिणी भगवती सरस्वती प्रकट हुई। उसने कहा माता आपकी दिव्य कृपा पाने के बाद भी उस जलाशय निमाई के सामने मुझे हारना पड़ा। मां भगवान भगवती सरस्वती ने कहा अरे मूर्ख, ये कौन निमाई है कि जब ये बोलते हैं तो मैं भी मूर्ख हो जाती हूँ, ये कौन निमाई है कि जब ये बोलते हैं तो ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण चंद्र इत्यादियों की गति रुक जाती है, कि जब ये बोलते हैं तो मेरी सरस्वती के जितने भी सप्त स्वर है वो बलात् उसमें से निकल करके और महाप्रभु की नित्य वाणी अलंकृत होकर के पुष्पों की वर्षा करते हैं, ये वो महाप्रभु है कि जिनके दिव्य कीर्तन को मैं सदैव गाती रहती हूँ। करो दिमाला हृदय कृष्ण मुखे श्री कृष्ण नाम, ये वो निमाई है कि जिनके दर्शनों के लिए मैं कतार में खड़ी होती हूँ, जिनके गुणानुवाद गाने का मुझको सामर्थ्य ब्रह्मा ने भी नहीं है, जिनके गुणानुवाद गाने का सामर्थ्य शंकर इंद्र ब्रह्मा ने भी नहीं है, तू उनसे पराजित होकर के अपनी हानि मान रहा है। अरे आज तक के मंत्रों का फल यही है कि तुझे दिव्य गौरव महाप्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ऐसे दिव्य भूषण भूषण प्रभु को केयूराणि न भूषयति पुरुषः हारो न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं आलंकृतः मूर्धनिम् वाणी कः शमलं करोति पुरुषः यः संस्कृतं धार्यते क्षीरन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं। वाग्भूषणं अरे जिनकी कृपा प्राप्त करके वाणी भूषणित हो जाती है, भूषण से युक्त हो जाती है, ऐसे श्रीमद् महाप्रभु के दर्शनों का फल तुझे प्राप्त हो गया, उसके नेत्र खुल गए। देखिए कोई व्यक्ति पांडित्य को दिखाता है, परंतु श्री भगवान की कथा पांडित्य से नहीं कही जा सकती है। श्री भगवान की कथा कोई पंडित हो तो वो अन्य अन्य प्रकार के छंदों को कृत करके, अन्य अन्य प्रकार की वाणियों को देख करके कुछ और करे, कोई अन्य अन्य प्रकार की टीका लिखे, परंतु श्री भगवान की कथा कैसे कही जाती है? जब श्री गुरुदेव की कृपा के कटोरे में श्री राधा रानी के दिव्य रस का परिवेशन वो पान करता है, तब जाकर के श्री महाप्रभु की दिव्य कथा को कहा जाता है, भगवान की दिव्य कथा को कहने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। अन्य अन्य प्रकार के कृतिकृत देखो, और जो कवि है, अन्य अन्य प्रकार के कवि है, वे लोग दर्शन करके देख करके अपनी कृति लिखते हैं, जैसे कालिदास, किंगनाथ, भवभूति, बाणभट्ट, श्रीहर्ष। कालिदास एक बार किसी क्राउनिंग सेरेमनी में गए राज्याभिषेक में, और देखा कालिदास ने सामने से जो रानी थी वो कलश लेकर के सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसके हाथ में अन्य अन्य प्रकार की नदियों का जल था जिससे राज्याभिषेक में राजा का अभिषेक होना था, और जब अभिषेक होना था तो वो रानी जब सीढ़ियों से उस कलश को, सोने के कलश को लेकर के चली तो वो इतनी विफल हो गई कि उसके हाथ से वो कलश गिर गया, और कलश गिरता हुआ
राज्याभिषेक के मदद फलाय, राज्याभिषेक में विफल हुई रानी के हाथ से हस्ता चुनो हे नटो युवत्या, वो खटक हाथ से निकल गया और छूटते ही सो पान मार के प्रकरण की शक्तम और पान मार के उस मार्ग पर शब्द प्रस्तुत करता हुआ तम तम टम तम टम टम तम। इसलिए अन्य अन्य प्रकार के कवि केवल दर्शन करके अपनी कृति को लिखते हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जो सोच लेते हैं वही कृति हो जाती है। ऐसी दिव्य महाप्रभु की दिव्य लीला, महाप्रभु की दिव्य लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। वाचा कर पतिता नाम का अभी जो महाप्रभु की कथा सुन रहे थे, जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु को द्वारा उपरास्त हो गए कभी, और कभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? वो सोच रहे हैं अगर बहुत बड़े किसी विद्वान को सामने अगर मैं परास्त हो जाता, फिर कोई बात था, भैया इतना बड़ा विद्वान था उसको सामने हमने परास्त हो गया। और महाप्रभु का उम्र 15-16 साल का, केवल छोटा बच्चा। महाप्रभु उस समय व्याकरण का टीचर थे, बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे थे। बोले इसको सामने मेरा परास्त। और उन्होंने सरस्वती मंत्र को जप करते 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 माँ सरस्वती इनकी वशीभूत हो गए थे। और जब सरस्वती वशीभूत हो गए, बोले वर मांगो, बोले पृथ्वी में मेरे को कोई परास्त नहीं कर सकी। माँ सरस्वती आशीर्वाद दिया, बोले ठीक है बेटा, पृथ्वी में तेरे को कोई भी परास्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तुम बोलोगे मैं स्वयं तुम्हारी जीवा के ऊपर बैठ करके मैं स्वयं बोलूँगा। लेकिन जब महाप्रभु के साथ में बात बात में जब परास्त कर दिया, इतने में वो विद्वान सोच रहा है बड़ा आश्चर्य की बात है, एक छोटा मेरे को परास्त कैसे कर दिया। लगता है मैया मेरे ऊपर में नाराज हो गई, सरस्वती नाराज हो गई। तब उन्होंने रात को मंत्र जप करते 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 सो गई। जब सो गई तो माँ सरस्वती स्वयं स्वप्न में प्रकट होती है, बोले बेटा मैंने जो वरदान दिया था वो झूठ नहीं, ये पृथ्वी में किसी व्यक्ति को साथ में तेरा परास्त नहीं होगा, लेकिन आज जिसको साथ में मिले हो वो मेरे पति है। ये गौरव नारायण है, जगत का मालिक है, ये जगत का व्यक्ति नहीं। और ये बताओ, तू तो बोलता नहीं, मैं बोलती थी, वो मेरे पति कहते, पति को सामने पत्नी कभी भी स्वर उठा करके बात नहीं करती। नियम है ना, पति अगर कोई बात बोलते पत्नी सुन लेती हैं, स्वर उठा करके तर्क वितर्क नहीं करती हैं। और जब तूने मुंह उठा करके तर्क वितर्क करने के लिए गया और मेरे प्रभु सामने बैठे हुए मेरे पति, अभी पति को सामने मैं कैसे बोलती, इसलिए मैं स्वयं अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गई तो तेरे बुद्धि सब खत्म। तब सरस्वती कहती है, बोले देख बेटा, मेरी कृपा दो तरह से, देखो आप लोग समझो, मेरी कृपा दो तरह से होती है। कहते मैं जिसको सचमुच से मैं कृपा करती हूँ, कहते हम विद्या पढ़ते हैं ना, विद्या मतलब क्या है, विद मतलब होता है जानना। बोले किसको जानना, बोले प्रभु को जानना। अगर जैसे अक्षर कहते ना, ए बी सी डी अ आ, इसको अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब क्या, आ मतलब नहीं, ख्यार मतलब विनाश, जिसका विनाश नहीं। इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पूछा, बताओ तेरे गुरुजी सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या सिखाया, बोले मेरे गुरुजी तो नारद है, नारद तो मेरे को सारी विद्या नारद जी ने पढ़ाई। तो उन्होंने क्या बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ने धीतमुतम। बल पिताजी, जगत में सबसे बड़ा विद्या है सबसे पहले गुरु जी की चरण में शरणागत हो जा। ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो करके फिर क्या करो, बोले भगवान की कथा सुना, भगवान की कीर्तन करो, भगवान की स्मरण करो, उनका पाद सेवन करो, उनका अर्चन पूजा करो। ये जो नव विद्या भक्ति, ये विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। हैं,
अगर कोई प्रभु को, इसलिए मीरा कहती हैं प्रेम जो ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सोई, हाँ जग में पढ़ते 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 सब ये हो गए, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम पढ़ा सो पंडित होई। अगर ये प्रेम ढाई अक्षर का जो पढ़ लिया असल में वही सबसे बड़ा पंडित है। इसलिए बेटा मैं जिसको ऊपर मैं सही सही कृपा करती हूँ मैं उसको मेरे प्रभु को पास में पहुँचा देता हूँ। सचमुच से आज तू जिससे मिले मेरे प्रभु है तेरी ऊपर में मेरी कृपा हो गई। लेकिन कहती है सरस्वती जिसको मैं वंचित करती हूँ, जिसको मैं कृपा नहीं करती हूँ, जगत का MA PhD डॉक्टर इंजीनियर बना करके संसार में एक गधा बना देता है। गधे देखो दिन भर पीठ को भर बोझा ढोता है, पहाड़ पर्वत में जाओ फिर सारे दाल चावल चीनी सब ढोता है, सब कुछ ढोता है, लेकिन मालिक क्या खाना देता है? कोई भूसा, कोई घास खाता है, कभी एक गिलास शरबत बना कर नहीं देता है, कभी उन्होंने पराठा बना करके नहीं खिलाते हैं, कभी कढ़ी चावल थोड़ी सी बना कर खिलाए, ये सब नहीं खिलाता है, लेकिन पीठ के ऊपर में ढोता है सब कुछ। सरस्वती कहते उसी तरह मैंने ये संसार में उसको पूरा एक गधा बना देता हूँ, है दिन भर संसार का बोझ को डोटे 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 खत्म, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन आज तेरे ऊपर में वास्तव कृपा होगी, जाओ आज तुम्हारी पूर्ण कृपा, जाओ उनके पास में मेरे प्रभु के पास में शरणागति हो जाओ। एकदम सवेरे सवेरे पंडित उठे और सरस्वती का आशीर्वाद मिला ना कृपा, वो बोल दिया ये प्रभु है भगवान नारायण है, वे सवेरे सवेरे गए, सवेरे सवेरे जाकर के सीधा महाप्रभु का चरण में लेट गए। महाप्रभु बोले तुम ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु और मेरे को वंचित मत कर, ये माँ सरस्वती ने मेरे को बताया, आप माँ सरस्वती के पति आप साक्षात नारायण हो, आप साक्षात भगवान मेरे को सरस्वती बताए, इसलिए प्रभु मेरे अपराध माफ कर दो, हमें भक्ति और प्रेम दो। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात महाप्रभु बताए। बोले विद्या पढ़े के न, कहते हम विद्या पढ़ते हैं क्यों? बोले कृष्ण भक्ति जानी वारे, इसलिए हम विद्या पढ़ते हैं, विद मतलब जानना, भगवान की भक्ति को जानने के लिए पढ़ते हैं। बोले सजदी नाही लो, अगर हमने सारे लिखा पढ़ा सीख गए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, इसलिए प्रहलाद का जो दो गुरु थे क्या नाम, संडा और अमरक, संडा मतलब क्या सांड, अमरक मतलब होता है बंदर। कहते जो गुरु भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं देता है, केवल पैसा कमाने की शिक्षा देता है, ATM कार्ड बना देता है, कहते वो गुरु गुरु नहीं, वो सांड और बंदर। कहते गुरु नहीं सबके सब सांड बंदर है, ये प्रहलाद महाराज कह रहे। लेकिन मेरे गुरु तो श्री नारद है जिसने हमें प्रभु की प्रेम की भक्ति की शिक्षा दिया है। इसलिए महाप्रभु कहते विद्या क्यों पढ़ते हैं? बोले कृष्ण भक्ति जानी बारे, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। बोले सजदी नहीं ले तो फिर विद्या ही की करे, अगर वो नहीं हो पाया तो फिर विद्या पढ़ने का क्या लाभ है? बोले विप्र ए देह छाड़ी, देह छाड़िया चली ले, जब ये शरीर तुम्हारी छूट जाएगी ना, ये जितने डिग्री फिग्री अर्जन किया है ना, संगे किच्छू नहीं चले, तेरे साथ में ये जगत का कोई विद्या पंडित कुछ भी तेरे साथ में नहीं चलेगा। एतेक महान तो तुम्हें सर्व परिहरी, महान तो मतलब जिसका मोह अंत हो गया, अज्ञान दूर हो गया, तुम सब कुछ छोड़ करके करें ईश्वर पूजा दृढ़ चित्त गए। इसलिए जो विद्वान है अपना हृदय को भगवान के चरण में लगा कर दृढ़ चित्त पूर्वक क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, अरे घर जोर से बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस भगवान का आदेश को पा करके ये जो पंडित था, जब वो चलता था ना, तो जिन जिनियों को उन्होंने परास्त किया सब इनके चेले बन गए थे। जब चलते थे हाथी को पीठी पर बैठ कर, अब बैंड है वो बजा बजती थी, कितने घोड़े कितने हाथी साथ में चलते थे, जब चलते थे एकदम धूम धड़का पूरा जब टहलका मचाते हुए, बड़े इस हाथी के ऊपर बैठ कर गाजे बाजा को साथ में ये चलते थे, लगता था बहुत बड़ा कोई विद्वान है जब चलते थे। और जिन जिनियों को परास्त किया सबके सब चेला बना कर साथ साथ में ये सब के सब चलते थे इनको साथ में, हैं। इसलिए
लेकिन महाप्रभु जब कृपा की, उनने सब छोड़ दिया, भैया जाओ तुम तो काफी जाओ, मैं तो पहले समझता था मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ हैं, लेकिन हमें सरस्वती ने, भगवान ने बताई इस विद्या पढ़ने का ये सब ये फल नहीं, विद्या पढ़ने का असली फल है जब ये चित्त को एकाग्र करके प्रभु की भजन में लगा दो, प्रभु की भक्ति में लगा दो। इसलिए मरते समय भले ही जिसको जो कुछ करना कर लो, जितना पढ़ लो, लेकिन जब मरते समय यही बोलेंगे राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है सब कोई बात झूठा है, यही तो बोलते बोलते जाएंगे ना। जितने तुम जीवन में राम कृष्ण का नाम किया वही जा रहे हैं, इसके बगैर जो कुछ तुमने इकट्ठे जो कुछ कमाया धमाया जो कुछ किया सबके तब तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा तेरे साथ में नहीं जा रहा है। इसलिए उन्होंने सबको छोड़ दिया, बोले जाओ भैया आज से मुक्त हो गए, तुमको जो परास्त किया था जब तुम मुक्त हो गए, अपना अपना स्थान में जाओ। और तुमने महाप्रभु का अनुगत्य में उन्होंने क्या किया, फिर भगवान की भजन करते हुए भक्ति करते हुए अपना जीवन को उन्होंने परिवर्तन उन्होंने कर दिया। ऐसे ही महाप्रभु जिधर जाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका साथ में हजार हजार लोग हरी बोल करते 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 हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबके सब हरी बोल करते करते महाप्रभु साथ में चलते थे सबके सब। ऐसे ही महाप्रभु यहाँ तक भी जंगल के जो पशु पक्षियों को भी उन्होंने महाप्रभु हरि नाम दिया है हैं। झारखंड एक जगह है, अभी भी वहाँ पर जो महाप्रभु चल रहे थे, जो सर्प लेटा हुआ था, सर्प को शरीर में प्यार लग गया, बोले हरी बोल, सर्प भी सर उठाकर हरी बोल, हाथी को स्पर्श कर दिया बोले हरी बोल, हाथी भी हरी बोल करने लग गए। शेर सोया हुआ था प्यार में, इसको स्पर्श करते ही शेर भी खड़े होकर के हरी बोल। महाप्रभु अद्भुत रूप में महाप्रभु ने एक जो झारखंड अभी भी है, कभी अगर सौभाग्य हो कभी दर्शन करना, अभी भी जो सांप जो लेटा हुआ था ना, महाप्रभु जब चल रहे थे पूरा के पूरा वहाँ पहाड़ एकदम पिघल गया। अभी जो सांप लेटा हुआ था उसका पूरा चिन्ह है सांप लेटने का, हाथी जो खड़ा था वो एकदम जैसे कृष्ण रामलीला में दिखाई पड़ता ना, कृष्ण बंसी ध्वनि से ही संपूर्ण पहाड़ पिघल गया। भगवान राम जब कामदगिरी में मिले, राम भरत का मिलन जैसे चिन्ह दिखाई पड़ता है, अभी भी महाप्रभु वहाँ पर जाओगे तो महाप्रभु का साक्षात सब चिन्ह देखोगे, हाथी घोड़ा भालू सब कीर्तन करते करते जा रहे थे, अभी सारे जंगल में सारे चिन्ह भी पड़ा हुआ है। उसका नाम झारखंड, मतलब वो जंगलों को अंदर तक देते हुए महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे। पुरी गए हो, वहाँ पर अलारनाथ में जाओगे, देखोगे महाप्रभु जिस पत्थर के ऊपर महाप्रभु लेटते थे, कृष्ण विरह में हैं, महाप्रभु का सर का चिन्ह, महाप्रभु हाथ का, उनकी छाती की, उनके चरण की सारे चिन्ह वहाँ पड़ा हुआ देखोगे, देखे हो पूरा के पूरा पत्थर पिघल गया। और महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जब जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे, पत्थर के ऊपर ऐसे हाथ रखे हुए थे, वो पत्थर में उनका तीन अंगुल घुस गया, अभी भी वो चिन्ह है। जब भक्त लोग जाते हैं ना वहीं पर खड़े होकर के तीनों जो चिन्ह है उसको ऐसे हाथ रख करके, और जहाँ पर महाप्रभु खड़े हुए थे वो पत्थर भी वहाँ पर पिघल गया है। वहाँ पर महाप्रभु का चरण कितने बड़ा चिन्ह था अभी भी देखने को मिलता है, वो चरण चिन्ह को वहाँ से उठा करके ले करके और एक स्थान पर उनको स्थापन कर दिया, क्यों, भक्तों का चरण लगता था उसमें, प्यार लगता था। इसलिए महाप्रभु भी विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति में उन्होंने सबको सराबर कर दिया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, हिताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। आप लोग जल्दी छोड़ दिया हैं, इसलिए जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा जल्दी जल्दी कथा करके जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Krishna, 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 Krishna.
जय श्री गुरु वरंग धर्म का गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की विजय।